ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त बात बोली गई है। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और हमेशा ध्यान में रखिए कि जिस पर हम फोकस देंगे वो बड़ा होता जाएगा, वो एक्सपांड होता जाएगा। आज के सुबह के सेशन में अगर आपको नहीं पता हो तो हर रोज़ सुबह 6 बजे 1 वीक चैलेंज हम ले रहे हैं। मतलब ये पूरा हफ्ता जो है सुबह 6 बजे हम मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिसमें मैं लाइव आता हूँ। तो आज मैंने इसी के ऊपर बात की थी सबसे स्टार्टिंग में कि जिस पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ता जाता है। इसीलिए अगर हम ऑब्स्टेकल पर फोकस करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, अगर हमारे गोल पर फोकस करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा और हमारे करीब आता जाएगा। तो डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस है कि हम गोल पर फोकस कर सकते हैं या ऑब्स्टेकल पर फोकस कर सकते हैं। जब चॉइस हमारी है तो हम क्यों ज़बरदस्ती ऑब्स्टेकल पर फोकस करें और गोल पर फोकस ना करें? आप खुद सोचिए, जब आपके पास चॉइस है स्टिल हम यहाँ पर क्यों ऑब्स्टेकल के ऊपर फोकस करते हैं? तो हमेशा ध्यान में रखिए कि ऑब्स्टेकल के ऊपर नहीं, गोल के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि अगर आप जिसके ऊपर फोकस रखोगे वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो एक्सपांड होता चला जाएगा। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने वर्ल्ड जो है उसका मैप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो है ये वाटर बॉडी कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो ये वाटर बॉडी आपको यहाँ पर बताना है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस वाटर बॉडी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। अब इसमें वेरियस कोर्सेस है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब GS 1, 2, 3, 4 आपको मज़ा आ जाएगा। और इतने कम प्राइस में है कि बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स एंजॉय कर सकते हो। प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। इसीलिए डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए आज हम यहाँ पर 17 मई का जो एनालिसिस है वो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस पर नज़र डालेंगे, उसमें एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो है उसमें ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है आज एग्जाम परस्पेक्टिव से। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो साइक्लोन के बारे में बात की जा रही है ना, तो इसमें ये साइक्लोन जो है अरेबियन सी में आया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके पीछे जो भी रीजंस है प्लस यहाँ पर साइक्लोन जो है उसके रिगार्डिंग भी हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। देन यहाँ पर सिंगल लाइटनिंग फ्लैश, यहाँ पर 18 एलिफेंट जो उनकी मौत हुई है, तो क्या सिंगल लाइटनिंग फ्लैश के थ्रू यहाँ पर 18 एलिफेंट्स की जान जा सकती, तो इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, लाइटनिंग कैसे होती है उसके बारे में भी जानेंगे। देन यहाँ पर राइस एंड व्हीट एक्सपोर्ट जो है रिकॉर्ड हाई हो रहा है। अब एक एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी खास नहीं निकलता है, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती है ना कि ये हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, ये कम हो गया है, इसका प्रोडक्शन इतना हुआ है, इसका कम हुआ है, ये फाइनली इकोनॉमिक सर्वे जो है ना उसमें सब कुछ आता ही है। तो इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रैदर देन हर जो चीज़ है जो हो रही है, कैसे सांस लिया, कैसे ये हुआ, वो देखने का बजाय। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज आइडिया स्पेस देखते हैं तो आज इंडियन एक्सप्रेस में एक भी एडिटोरियल पेज जो है वो काम का नहीं है। मतलब यहाँ पर वैक्सीन फैक्ट्स, अगर वही फिर से वैक्सीन जो है उसके बारे में यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। देन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है अगर हम एग्जाम परस्पेक्टिव से देखते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ पर सुनील जैन जो है उनके बारे में अगर जानना हो तो आप एडिटोरियल जो है वो पढ़ सकते हो, लेकिन वैसे देखा जाए तो एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी आलोचना जो है वह देखने को मिल रही है। अब द हिंदू अगर हम देखते हैं तो उसमें ये वाला जो पेज है इसमें हमें ये वाला लद्दाख वाला देखने को मिलता है एडिटोरियल। अब देखिए, कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि जो यहाँ पर चाइना है वो जिस तरीके से हमला कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया, मतलब जो भी इंडिया का एक थॉट प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग, तो इसमें 3 सजेशंस जो है वो दिए गए थे। याद कीजिए, 3 सजेशंस द हिंदू में ही आया था और वो हमने वहाँ पर कवर किया था। 3 सजेशंस हमने वहाँ पर इंकल्केट करने की कोशिश की थी और समझने की कोशिश की थी कैसे वो काम कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ भी खास चीज़ नहीं है उसके अलावा। इसलिए बोलता हूँ रेगुलरली वीडियोस देखा कीजिए, जो भी एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर वुमेन वर्कर्स, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुमेन वर्कर्स के बारे में बात की जा रही है, तो ये आर्टिकल को हम देखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर केरला लॉकडाउन के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मस्टर्ड सीड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं ट्रिब्यूनल सिस्टम, तो यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये वाले एडिटोरियल को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये सारे एडिटोरियल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके सभी को कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हमें जो साइक्लोन है टौटी, ये देखने को मिल रहा है। इसको प्रोनाउंसिएशन बेसिकली टौटी इस तरीके से किया जाता है, भले यहाँ पर अगर हम स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो टॉक टे ऐसा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टौटे इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। देन क्लासीफाई किया जा रहा है वेरी सीवियर साइक्लोन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सीवियरिटी के हिसाब से कि कैसा साइक्लोन है, उसकी स्पीड किस तरीके की है, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये अगर हम देखते हैं तो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जो है VSCS, इसमें यहाँ पर इसको क्लासीफाई किया गया है। अब खास चीज़ जो है वो इसकी ये है कि डेवलप हुआ है अरेबियन सी में। अभी मुंबई अगर आप देखोगे तो उसको हाई अलर्ट पर ही रखा गया है, क्योंकि वहाँ से वो गुजर रहा है, और जो मुंबई है वो पहले ही थोड़ी सी बारिश आ जाए तो फ्लड वहाँ पर आ जाता है, पूरा पानी जो है वो भर जाता है। तो ऐसे सिनारियों में और यहाँ पर जो साइक्लोन है वो देखने को मिल रहा है, वो भी यहाँ पर वेरी सीवियर साइक्लोन। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर सदर्न गुजरात जो है ट्यूजडे को उसको हिट करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइक्लोन जो है वो होते क्या है, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइक्लोन क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते साइक्लोन जो है, इस तरीके साइक्लोन आपको नज़र आ रहा है, ये लार्ज स्केल एयर मास होता है, ठीक है। ये ऐसे घूमता जाता है। अब मेन चीज़ क्या है, ये रोटेट होता है अराउंड द सेंटर, मतलब ये समझ लो ये सेंटर है, तो इसके अराउंड जो है ये रोटेट होता रहेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूसली रोटेशन जो है इसका हमें देखने को मिलता रहेगा ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर लो प्रेशर जो है वो रहना चाहिए, मतलब ये सेंटर है, यहाँ पर अगर लो प्रेशर रहता है, यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, तो फिर यहाँ से वो ऐसे 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 करके वो जाते रहेंगे, जो भी यहाँ पर विंड्स है वो इस तरीके सर्कुलेट होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, या तो क्लॉकवाइज घूमता है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वो डिपेंड करता है नदर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, लो प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है। लो प्रेशर क्यों होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा, है ना, जैसे इक्वेटर पर होता है हमारा। अगर हम इक्वेटर देखते हैं तो इक्वेटर पर क्या होता है, इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या है कि एयर जो है वो जाती है ऊपर, है ना, एयर एक्सपांड होती है एंड देन वो ऊपर जाती है। ज्योग्राफी के जो हमारे लेक्चर्स हैं एमएम एकेडमी ऐप पर, उसे मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन ये ऊपर जाता है तो यहाँ पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। मैंने आपको उसमें बताया था क्या कि जैसे हमारे खाते में से, हमारे बैंक अकाउंट में से अगर पैसा जाता है तो लो बैलेंस होता है, अगर पैसा आता है तो हाई बैलेंस होता है। उसी तरीके से यहाँ से विंड्स जा रही है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ से विंड जाती है देन उसके बाद ऐसी ट्रांसफर होती है देन यहाँ पर नीचे आती है, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो विंड्स आ रही है, हाई प्रेशर है, विंड्स जा रही है, लो प्रेशर है। तो यहाँ पर इक्वेटर के पास लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, मेनली होता है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए एयर एक्सपांड होती है एंड देन वो राइज होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो एयर जो है वो क्या होती है, यहाँ पर अगर लो प्रेशर है तो एयर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। ऐसी विंड्स आ रही है एंड देन यहाँ पर क्या होता है, कोरुलिस फोर्स की वजह से एयर जो है वो ऐसी घूमने लग जाती है, एयर इस तरीके से घूमने लग जाती है एंड देन यहाँ पर जो साइक्लोन है वो यहाँ पर बनता है, क्लियर है। तो यहाँ पर साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। देन उसके बाद अगर हम टाइप्स देखते हैं साइक्लोन के, तो हमें अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आप देखोगे जो ट्रॉपिक्स में है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मेनली ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होता है, है ना। अब देखिए इक्वेटोरियल रीजन अगर हम देखते हैं तो इक्वेटोरियल रीजन के पास हमें साइक्लोन का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। उसके पीछे का कारण क्या है, कोरुलिस फोर्स, क्योंकि जो साइक्लोन है उसको फॉर्म करने के लिए कोरुलिस फोर्स का रहना बहुत जरूरी है, और अगर हम इक्वेटोरियल रीजन देखते हैं तो वहाँ पर हमें कोरुलिस फोर्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें देखने को मिलता है जो ऊपर साइड में होता है, है ना, उसका फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप से होता है, जो हमने ऑलरेडी हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कवर किया है। देन पोलर साइक्लोन होता है जो पोलर, इसमें हमें देखने को मिलता है। देन मीसो साइक्लोन होता है, ये वोर्टेक्स है ऑफ एयर जो यहाँ पर विद इन द कन्वेक्शनल स्टॉर्म ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है एंड देन उसको नाम जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस तरीके से दिए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं इंडियन ओशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसको जो साइक्लोन है यही कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसे टाइफून जो है ये कहा जाता है, ठीक है।
देन अगर हम ये वाला पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पर हरिकेन जो है ये कहा जाता है, ये वाला भी पोर्शन अगर हम देखते हैं तो हरिकेन जो है वो कहा जाता है, मतलब यूएसए के आसपास आपने जब भी देखा होगा यूएसए में अगर साइक्लोन आ रहा है तो उसको हरिकेन ही कहा जाता है ना, जापान के पास आ रहा है तो उसे टाइफून कहा जाता है, एंड देन इंडियन ओशन में अगर आता है तो उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वही कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगहों पर उसके अलग अलग नाम होते हैं जो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। अब देखिए इसमें से एक नाम छुटा हुआ है जो हमें ये वाले रीजन में देखने को मिलता है, तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये रीजन में जो साइक्लोन आता है उसको क्या नाम से कहा जाता है, बुलाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो ट्रॉपिक्स है उसमें जो साइक्लोन आता है उसके लिए प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या है, क्या क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है जिससे कि साइक्लोन जो है वो आए। सबसे पहले तो वार्म सी सरफेस, जैसे मैंने आपको कहा टेम्परेचर जो है वो राइज होना बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर अगर राइज होगा तो ही तो एयर ऊपर जाएगी, तो ही एयर ऊपर जाएगी एंड देन वो सर्कुलेशन फॉर्म में आती है तो साइक्लोन जो है वो क्रिएट होता है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहना चाहिए एटमॉस्फेयर में, तभी जाकर जो ह्यूमिडिटी है उसके थ्रू तो वो बनेगा ना, क्योंकि क्या होता है जैसे ही जो साइक्लोन है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर काय में होता है समंदर में रहता है, क्योंकि वहाँ से वाटर मॉइस्चर वो लेता है एंड देन जैसे ही लैंड पर आता है वैसे ही वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी जो है वो प्रमोट करते हैं वर्टिकल कम्युलस क्लाउड को, जो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है साइक्लोन के लिए। लो वर्टिकल विंड शीड जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए एंड लोकेशन जो है एटलीस्ट 4 to 5 डिग्री लैटिट्यूड अवे फ्रॉम इक्वेटर रहना चाहिए, जिससे कि वही कोरोलिस जो है वो यहाँ पर उसको मिल सके। तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको एग्जाम में सीधी पूछी जा सकती है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें मैप जोनिंग पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर साइक्लोन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर हमारी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें एंड देन हमारा जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है वो कर सकें, है ना। याद कीजिए डिजास्टर के हमारे जो लेक्चर्स हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है उड़ीसा का कुछ पोर्शन है, वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन है, देन यहाँ पर अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर चेन्नई कोस्ट अगर आप देखोगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि वेरी हाई प्रोन रीजन में ये देखने को मिलते हैं। देन अगर हम ये वाला पोर्शन देखते हैं जो ब्लू इसमें आपको नजर आ रहा है तो ये हमें हाईली प्रोन जोन में देखने को मिलता है, एंड ग्रीन इसमें अगर आप देखोगे तो मॉडरेट जोन में हमें देखने को मिलता है, एंड देन येलो अगर आप देखोगे तो वो लेस प्रोन एरिया जो है वहां पर, मतलब यहाँ से जो आ रहा है ना साइक्लोन उसके थोड़े बहुत छींटे जो है वो गिर रहे हैं इस तरीके से। अब क्या होता है जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन तैयार हो रहा है वो यहाँ हीट हो सकता है, वो यहाँ हीट हो सकता है, उसकी जो ये है वो चेंज हो सकती है, यहाँ हीट हो सकता है, एंड मोस्ट डिजास्टर्स होता है कि जब वो यहाँ से अपना सिनारियो चेंज करके इधर साइड चल जाता है देन उसके बाद यहाँ से तो भाई साहब वो ऐसा चेंज होता है और इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि फिर वो खड़ी करते हैं, इतना बुरा तरीके से होता है। जो अरेबियन सी में आता है वो बहुत कम इधर भिड़ते हैं, बहुत कम, मोस्टली जो अरेबियन सी में आता है या तो वो इस साइड चला जाएगा या तो वो ऐसे जाकर यहाँ भिड़ेगा। जैसे अभी हमारा जो साइक्लोन नज़र आ रहा है जो अभी आया है वो इस तरीके से गुजरात कोस्ट पर भिड़ने वाला है, तो ऐसा हमें यहाँ पर साइक्लोन जो है वो देखने को मिलता है। देन उसका साइक्लोन जो है जो टॉटी है ये यहाँ पर यूनिक क्यों है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4th साइक्लोन है कंसेक्यूटिव ईयर्स जो अरेबियन सी में डेवलप हुआ है। देखिए क्या है कि अरेबियन सी के मुकाबले बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर सबसे सिंपल फंडा देखा जाए अरेबियन सी जो है वो कम गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा गर्म पड़ता है, ज़्यादा वार्म होता है, उसकी वजह से वहाँ पर साइक्लोन्स जो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होते हैं कम्पेयर टू अरेबियन सी। अब यहाँ पर प्री मानसून पीरियड में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, मोस्टली बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्री इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या है बाद में मॉइस्चर कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। देन अदर साइक्लोन्स अगर हम देखते हैं तो साइक्लोन मेकानू 2018 में जो यहाँ पर ओमान पे स्ट्रक हुआ था, साइक्लोन वायु 2019 में जो गुजरात कोस्ट पे स्ट्रक हुआ था, साइक्लोन निसर्ग 2020 में जो महाराष्ट्र पे स्ट्रक हुआ था, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर हमें नया साइक्लोन जो है 2021 का देखने को मिल रहा है, पहला साइक्लोन 2021 का हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंसर्न क्या है, कंसर्न तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि एनुअली अगर देखा जाए तो 5 साइक्लोन जो ऑन एवरेज हमें इंडिया के आसपास देखने को मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में उसमें से 4 होते हैं, ठीक है। अरेबियन सी में अगर देखा जाए तो अरेबियन सी में हमें 1 जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अरेबियन सी कंपैरेटिवली कम वार्म होती है। अरेबियन सी जो है वहाँ पर भी वार्मिंग हो रही है ज़्यादा, क्योंकि इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि अरेबियन सी में भी काफ़ी सारा साइक्लोन की तादाद जो है वो बढ़ रही है और कंपैरेटिवली काफ़ी डिजास्टर्स भी हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर आप जो ट्रैक है उसका वो देख सकते हो, ट्रैक किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कैसे फॉर्मेशन, देन इस तरीके से ट्रैकिंग ट्रैकिंग इस तरीके से, इस तरीके से। अभी अगर आप देखोगे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, देन यहाँ पर ये स्ट्रक करेगा एंड देन उस तरीके से गुजरात जो है वहाँ पर स्ट्रक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमें ट्रैक जो है वो इसका देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है इसके रिगार्डिंग मिल गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिंगल लाइटनिंग फ्लैश जो है क्या ये 18 एलिफेंट्स को यहाँ पर मार सकता है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है वेडनेसडे एलिफेंट्स 18 एलिफेंट जो है वो हिल टॉप आसाम में उनकी डेथ हुई, और प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उसने इंडिकेट किया है कि यहाँ पर लाइटनिंग जो है उसकी वजह से इनकी मौत हुई है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि लाइटनिंग है क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। इनफैक्ट यहाँ पर एस्पिरेंट ही नहीं, यहाँ पर लोग ही नहीं, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनको भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि सीधे तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया नहीं कि हाँ यही पूरा पुख्ता सबूत है, यही फाइनल है कि लाइटनिंग जो है वो इसी वजह से या फिर इसी कारण से यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर वेरी रैपिड लाइटनिंग क्या होती है, वेरी रैपिड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग जो है ये वेरी रैपिड मैसिव एंड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारे एटमोसफेयर में, जहाँ पर जायंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स जो है ना 10 to 12 किलोमीटर जो टॉल होते हैं वहाँ पर मोस्टली हमें ये देखने को मिलती है। तो काफ़ी मतलब वो होता है ना बिजली गिर गई हम ऐसे बोलते हैं, है ना, बिजली खड़ी यहाँ बिजली, तो यहाँ बिजली जो गिरती है वो यहाँ पर लाइटनिंग हमें देखने को, काफ़ी डिजास्टर्स होता है, क्योंकि अगर कोई भी अगर चपेट में आ जाए तो पूरी तरीके से जला देती है, इतना खतरनाक बिजली जो उसमें करंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें पता चलता है किस तरीके से यहाँ पर लाइटनिंग जो है वो स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, क्लाउड्स में जो आइस क्रिस्टल्स है वो फॉर्म होना शुरू होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपको बता रहा हूँ, आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये समझ लीजिए ये एक पट्टा है, ये पट्टे के ऊपर जीरो फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बराबर आइस क्रिस्टल्स हो रहे हैं। अब जो वजनदार क्रिस्टल्स हो गए हैं वो क्या करते हैं, नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो है ये आइस क्रिस्टल जो नीचे गिर रहे हैं प्लस ये नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, इससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो चार्ज होता है, चार्ज होते हैं वहाँ से, क्या होता है चार्ज पार्टिकल जो है वो निकलते हैं, देन यहाँ पर एक चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। अब ज़मीन है हमारी, अर्थ है, अर्थ सर्फेस पर भी हमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो देखने को मिलता है। अब क्या होता है, होले 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 ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं एंड देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर अर्थ में क्रिएट हो रहा है ये धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाते हैं एंड देन अगर ये कॉन्टैक्ट में आ गए तो इस तरीके से यहाँ पर लाइटनिंग जो है वो क्रिएट होती है। समझ रहे हो आप, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी चार्ज क्रिएट हो रहा है बादलों में, उसके बाद हमारे अर्थ सर्फेस पे भी हमें चार्ज पार्टिकल देखने को मिलते हैं। अब जब यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी, जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं विंड्स के जरिए, एयर के जरिए, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बिजली जो है वो कड़कती हुई देखने को मिलती है, वो ज़मीन पर गिरती है। क्लियर है, काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर लाइटनिंग जो है वो एनिमल को कैसे क्या मार सकती है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के हमें फ्लैश देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्ट फ्लैश, इसमें एनिमल जो है ओपन फील्ड में, यहाँ पर डायरेक्टली लाइटनिंग जो उस पर गिर रही है, सीधी उसके बॉडी पर गिर रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी जान जा रही है। तो बट ऑब्वियस है, किसी भी अगर बिजली गिरेगी हो तो टूट ही जाएगा, वो मर ही जाएगा। साइड फ्लैश हमें देखने को मिलता है। साइड फ्लैश क्या है, जब लाइटनिंग जो है वो टॉल ऑब्जेक्ट, समझ लो कोई पेड़ है, ट्री है ना, उस पर अगर टकराई है एंड देन उसके बाद उसके नीचे अगर कोई प्राणी खड़ा है, ठीक है, तो फिर उसके तरफ वो फ्लैश जो है वो जा रहा है, उसको हम कहते हैं साइड फ्लैश। मतलब मेन जो है, मेन वो उस पर गिर रहा है, जो ट्री है उस पर गिर रही है बिजली, लेकिन उसके नीचे वो खड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उस पर वो जा रहा है, तो साइड फ्लैश है। देन टच पोटेंशियल, ये वन पार्ट है टॉल एनिमल्स बॉडी का, जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं ग्राउंड के, वाइल अदर पार्ट जो है हायर एलिवेशन पे होता है वो लाइटनिंग के इसमें आता है। समझ लो जैसे जिराफ है ना, तो वो क्या ऊपर है तो वो कॉन्टैक्ट में आ सकता है, तो ये क्या होता है, इसमें मोस्टली जो टॉल होते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। देन स्टेप पोटेंशियल होता है, इसमें क्या है, एनिमल का फ्रंट एंड जो हिंड फीट है ये अपार्ट होते हैं, है ना, मतलब यहाँ पर सामने वाला पैर और पीछे वाला पैर अपार्ट है। इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर करंट जो है पूरी बॉडी में से पास होता है, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर डेथ जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये चार है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको मैच द पैर में भी ये पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मल्टीपल एनिमल डेथ जो है, क्या ये भी कॉमन हो सकता है इसकी वजह से, तो यहाँ पर बोला जा रहा है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। 2007 में अगर हम देखते हैं तो 5 एलिफेंट जो है वो मारे गए थे, सिमिलर इंसिडेंट बक्सा टाइगर रिजर्व में हुआ था। 2016 में अगर हम देखते हैं 300 जो रेनडियर है वो मारे गए थे इसी तरीके थंडरस्टॉर्म की वजह से।
1972 में 53 रेंडियर जो है वो यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी लाइटनिंग जो है वो अलास्का में स्ट्राइक हुई थी इसलिए, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लाइटनिंग जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं कि यहाँ पर जो विमेन है, महिला वर्कर्स है, वो यहाँ पर किस तरीके से उनकी जो पोजीशन है वो वर्ड्स होती जा रही है। देखिए इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट कि पेंडेमिक की वजह से जो महिलाएँ हैं है ना, डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन यहाँ पर हो गया है। सेवरल डिसरप्शन हमें देखने को मिल रहा है उनकी लाइफ एंड इकोनॉमी पर, मतलब जो महिलाएँ हैं उनकी लाइफ अगर हम मेल के कंपैरिजन में देखते हैं तो काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है कोविड की वजह से। कैसे? तो अब यहाँ पर थोड़े फैक्ट्स हम देख लेते हैं कोविड की वजह से हुआ क्या है। अब देखिए कोविड जो है, कोविड पैंडेमिक, उसने मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय किया, इसमें तो कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, है ना। अब यहाँ पर सडन एंड लार्ज इंक्रीज जो है पॉवर्टी का, उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाइवलीहुड इतना बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है तो यहाँ पर पॉवर्टी, गरीबी जो है वो भी बढ़ रही है। मैसिव डिसरप्शन जो है लेबर मार्केट का इंडिया में, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब खासकर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, वुमेन वर्कर्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसका फैक्ट्स हम देखना पड़ेगा, तो वाइडनिंग गैप किस तरीके से यहाँ पर गैप जो है वाइड हो रही है। अगर हम मेल कंपैरिजन में देखते हैं तो सिर्फ 18% ऑफ वर्किंग एज वुमेन जो है ये एम्प्लॉयड है कंपेयर टू 75% ऑफ मैन, मतलब यहाँ पर 100 में से 75 मैन जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयड है। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं 100 में से सिर्फ 18% जो है वो एम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गुड जॉब्स है उसकी हमें कमतरता देखने को मिल रही है, क्योंकि मेल अगर आप देखोगे तो हाँ ठीक है यार मेरे को दिन के 100 रुपये मिल रहे हैं क्या, ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स हैं, बहुत सारे जगहों पर महिलाओं को बाहर काम करने के लिए नहीं दिया जाता है, ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं। जो बर्डन्स है हाउस होल्ड वर्क के, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बर्डन। अब कोविड के बाद, आफ्टर कोविड 61% मेल वर्कर जो है वो अनअफेक्टेड रहे हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। 61% 100 में से 61 लोग जो है मेल वर्कर जो है ये अनअफेक्टेड रहे हैं। 19% महिलाएं जो है उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी हासिल की है, मतलब सिर्फ 19% ऐसी महिलाएं हैं जिनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी थी कि हाँ हमको कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ 19% महिलाएं, आप समझ रहे हो, बाकी सारी महिलाएं इम्पैक्ट हुई है। 47% एम्प्लॉयड महिलाएं जिन्होंने अपना जॉब खोया है लॉकडाउन में, वो काम के लिए कभी रिटर्न नहीं आई है। तो इतनी बुरी अवस्था हमें देखने को मिली है कोविड की वजह से, खासकर अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो इतनी बुरी अवस्था यहाँ पर हुई है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 33% फॉर्मल सैलरीड मेन जो है वो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ गए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, खुद यहाँ पर अपना ये कर रहे हैं। सिर्फ 4% महिलाएं जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ गई है एंड 3% जो है वो डेली वेज वर्क जो है उसके लिए यहाँ पर गई है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो महिलाएं हैं उसमें डिसप्रोपोर्शनेट यहाँ पर चीज़ें होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट है, आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बोलिए, सोशल एम्पावरमेंट बोलिए, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और लिखने में, क्योंकि कोविड ने खासकर महिलाओं को ऐसे इम्पैक्ट किया है, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखिए नीड ऑफ द आवर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है यहाँ पर कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करंटली यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ पर सिस्टमेटिकली जो कंस्ट्रेंट है अराउंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स, उसको यहाँ पर एड्रेस करना चाहिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अवेबिलिटी ऑफ वर्क, काम जो है उसकी अवेबिलिटी भी रहनी चाहिए एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर उन्होंने पूरी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपांड होती है रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड एंड एल्डरली केयर, ये अगर यहाँ पर रहता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर एक्सपांड होती है तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी और अच्छी यहाँ पर होती जाएगी। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्लियर है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रिब्यूनल सिस्टम। देखिए हुआ क्या है, सेंटर ने सेवरल एपिलेट ट्रिब्यूनल को एबॉलिश किया है, हमने इसके रिगार्डिंग देखा हुआ है, लेकिन इसमें से फिर से एक रिविजन के तौर पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर अगेन जो चीज़ें हैं वो सामने में लेकर आ रहा हूँ। सेंटर ने काफ़ी सेवरल एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है अथॉरिटीज एबॉलिश किया, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन वाला जो था उस टाइम पे हमने इसके बारे में देखा था, है ना। इन्होंने ज्यूरिडिक्शन जो है उनका ट्रांसफ़र किया एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज़ को, हाई कोर्ट हो गए, है ना। अब यहाँ पर ये टाइम है कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन सेटअप किया जाना है जिससे कि नेशनल लेवल पर एक रहे एंड वो ट्रिब्यूनल के बारे में देखे। अब आपके लिए सबसे बड़ा एक सवाल तो यही है कि क्या हमारे संविधान में स्टार्टिंग से ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है, पॉलिटी में हमारा जो इंडियन पॉलिटी है उसमें ट्रिब्यूनल भी कवर किया गया है, एक सेपरेट चैप्टर कवर किया गया है, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल जो है क्या हमारे संविधान में था, अभी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो था क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो
कि कौन कौन से एक्ट के थ्रू यहाँ पर जो है कौन कौन से यहाँ पर एपिलेट बॉडी दी गई। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 एपिलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट है ना, देन ट्रेडमार्क हाई कोर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स के बारे में जो हम जानते हैं, तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको एक चीज़ पता है, ट्रिब्यूनल ओरिजिनली पार्ट नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्या ट्रिब्यूनल हमारे संविधान का पहले से पार्ट थे? जी नहीं, ट्रिब्यूनल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहले से पार्ट नहीं थे। इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया 1985 में। ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर स्पीडी इनएक्सपेंसिव डिसेंट्रलाइज्ड जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं वो रिजॉल्व हो सके। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर समझ लीजिए कि कोई करप्शन का मामला हुआ है, कोई कंपनी है, कोई कंपनी में घपला हुआ है, अब वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है वो समझ लो नेशनल कंपनी, उसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। अब लोग अगर हाई कोर्ट में आते हैं तो फिर क्या होगा, हाई कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस चल रहे हैं और बर्डन बढ़ जाएगा। इससे अच्छा ट्रिब्यूनल में अगर रिजॉल्व हो जाता है तो फिर सीधा ट्रिब्यूनल में रिजॉल्व कर लेंगे, ये इसका फ़ायदा है। तो इससे क्या होगा, स्पीडी, क्योंकि वो सिर्फ वही टाइप के केसेस देख रहे हैं, इनएक्सपेंसिव क्योंकि इतना खर्चा भी नहीं आता है, डिसेंट्रलाइज एडजुडिकेशन जो डिस्प्यूट्स का वेरियस मैटर में देखा जा सकता है। यहाँ पर जो रेगुलर कोर्ट है ना, उनमें जो इतने केसेस हो रहे हैं, इतने बर्डन हो रहा है, उसको यहाँ पर कम करना, उसको यहाँ पर अवॉइड करना, बेसिकली इसका मकसद हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद प्रोविजन्स अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करता है प्रोविजन को अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा आ सकता है। अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पार्ट 14A हमारे संविधान में, और आर्टिकल 323A एंड 323B हमें देखने को मिलता है। अब इसमें बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में, अगेन मैं बोल रहा हूँ प्रीलिम्स में, आपको घुमा फिरा कर पूछा सकता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 323A अगर हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 323B अगर हम देखते हैं तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इसमें आप टैक्सेशन बोलिए, इंडस्ट्रियल लेबर बोलिए, फॉरेन एक्सचेंज, लैंड रिफॉर्म, फूड, ये सब के बारे में बात होती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आती है वो यही है कि ट्रिब्यूनल जो है अंडर 323A एस्टैब्लिश किया जा सकता है बाय ओनली बाय द पार्लियामेंट। इसमें आपको घुमा दिया जाएगा स्टेटमेंट, उल्टा कर दिया जा सकता है। 323A जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा हो सकती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। एंड देन यहाँ पर 323B अगर हम देखते हैं तो ये बोथ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एस्टैब्लिश की जा सकती है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो निकल कर आती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और वीडियो जो है वो भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसको कवर करने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए, MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।